नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूषण इंदु सर, गैरेज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईशर 548 50 एचपी है, ट्रैक्टर की सेगमेंट में आता है। ये कम्पीट करता है VST विराट को, और जो महिंद्रा का अर्जुन महिंद्रा का सरपंच है उसको भी ये कम्पीट करता है। जॉन डियर की भी जो 50 एचपी में सेगमेंट है उसको भी जो है ये कम्पीट करता है। ये दो कलर में आपको अवेलेबल मिलेगा, एक आपको देख रहे वो सिल्वर कलर है और एक जो है आपको रेड कलर में भी आपको अवेलेबल मिलेगा। ये ट्रैक्टर जो है आता है आपको विथ पावर स्टीयरिंग और रियर व्हील ड्राइव के साथ, विथ ऑयल इमर्स डिस्क ब्रेक के साथ। सो चलिए आज की इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। इसके पीछे जो आप रोटावेटर देख रहे हो ये है 54 ब्लेड्स डबल शाफ्ट, यानी कि आगे आपको 30 ब्लेड्स मिलेगा और पीछे 24 ब्लेड जो है आपको मिलेंगे। ये रोटावेटर भी काफ़ी महंगा है, इस ट्रैक्टर के साथ ही फ्री मिलता है, थोड़ा सा स्कीम का मामला है इसलिए वो फ्री में मिल जाता है, और इसका भी एक ट्रायल हम लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। There's no doubt it, gotta get out of this small town. You took my heart from me, now you're everywhere I see. Set me free, let me fly, let me find new kinds of highs. We're just wasting here, waiting for another year. We both know the score, we've been here once before. So many words unspoken, you took my heart, it's already broken. ओके, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे से की से। यहाँ पर आपको सिंपल सी की मिलती है, यहाँ पर इसके ऊपर आयशर की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिलेगी। सामने की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर जो आयशर का जो ई का जो लोगो है, पहले आयशर का लोगो जो अलग था, अभी जो आ रहा है वो अलग आ रहा है। सो ये अपना नया लोगो है। इसके साइड में तो आपके हैलोजन्स, यहाँ पर नीचे आपको जो मेटल की ग्रिल है वो आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर आपका थोड़ा सा सिल्वर और ब्लैक का जो फिनिशिंग है वो आपको देखने को मिलेगा। इंडिकेटर जो है, इंडिकेटर ट्रैक्टर के साइड में नहीं है, ये सिर्फ रिफ्लेक्टर्स है। इंडिकेटर जो सिर्फ मडगार्ड के ऊपर जो आपको माउंटेड मिलेंगे। यहाँ पर किसी भी टाइप का LED का वगैरह किसी की लाइट्स का जो प्लेसमेंट है वो आपको नहीं मिलता है। यहाँ पर सिर्फ वो शो ऑफ करने के लिए उन्होंने दिया हुआ है। और बोनेट के ऊपर का देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो ईयर फिल्टर वो देखने को मिलता है और आपका एक जो साइड से बाहर निकलता है। सो साइड की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको जो आईशर की जो ब्रांडिंग है वो आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारे ट्रैक्टर्स है जिनके ऊपर जो ब्रांडिंग जो करते हैं सिर्फ नाम के जो स्टिकर्स है वो लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपका रबर की जो क्या बोलते हैं रबर का जो फिनिशिंग वो देखने को मिलती है। यहाँ पर थोड़ा सा इम्बॉसिंग कह सकते हैं इसको, इम्बॉसिंग फॉर्मेट में जो है सिर्फ ब्रांडिंग मिलती है। यहाँ पर थोड़ी सी येलो की जो पिन स्ट्राइपिंग कह सकती है वो आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर आपके जो स्टार डिज़ाइन का ही कोई होगा। उसके बाद यहाँ पर इंजन के ऊपर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जो आपके इंजन के जो कैमशाफ्ट है उसके ऊपर भी आपको थोड़ा सिल्वर और ब्लैक के जो प्रोटेक्टर्स जो है मेटल के वो देखने को मिलेंगे। मेटल्स के नहीं कह सकते, ये प्लास्टिक के हैं, ये पूरे जो प्रोटेक्टर्स है पूरे प्लास्टिक के हैं। यहाँ पर आपका इंजन कुछ इस टाइप में, यहाँ पर आपकी पावर स्टीयरिंग, यहाँ पर आपको पावर स्टीयरिंग का जो ऑप्शन है, मैंने आपको पिछला जो वीडियो था उसमें क्या था कि जो आपके पावर स्टीयरिंग का जो रॉड था, यानी कि आपका हाइड्रोलिक जो सिलेंडर था वो एक ही साइड में मिलता था, लेकिन यहाँ पर आप जो दोनों साइड में जो है आपका हाइड्रोलिक सिलेंडर वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपका बैटरी कंपार्टमेंट, यहाँ पर उसके ऊपर भी आईशर की ब्रांडिंग सिल्वर और ब्लैक फिनिश के साथ। यहाँ पर इसकी 5 स्टार की रेटिंग, यहाँ पर 548 का जो उसका नंबर है वो उसकी नंबर। यहाँ पर पावर स्टीयरिंग की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिलेंगी। सिल्वर कलर में जो फिनिशिंग है वो काफ़ी सही है, यानी कि काफ़ी ऐसा इफेक्टिव दिखता है ट्रैक्टर। उसके बाद मड़गार्ड के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको छोटा सा टूल बॉक्स मिलता है। ट्रैक्टर के हिसाब से काफ़ी छोटा है लेकिन ठीक ठाक है। प्लास्टिक का आपको मिलेगा, प्लास्टिक का यहाँ पर साइड मिरर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर वाव, यहाँ पर उनकी जो ब्रांडिंग है वो, यहाँ पर आपका जो लाइट्स कह सकते हैं साइड इंडिकेटर्स और हेडलाइट लैंप का जो लाइट है वो आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपका हुड जो आपको रेड कलर में देखने को मिलेगा। यहाँ पर साइड में आपको जो पिलियन सीट्स कह सकते हैं वो, लेकिन यहाँ पर कोई भी कुशनिंग का जो ऑप्शन है वो आपको नहीं देखने को मिलता। विराट का जो हमने देखा था VST का, उसमें यहाँ पर कुशनिंग भी आपको देखने को मिलती थी। यहाँ पर रियर साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो टेल लैंप, यहाँ पर आपकी साइड इंडिकेटर और यहाँ पर जो आपका एक लैंप होता है, यानी कि आपको अगर पीछे कोई काम करना हो तो यहाँ पर जो है आपका हेडलैम्प नहीं कह सकते इसको, लैंप ही कह गए। यहाँ पर उसको प्रेस करने के लिए, यानी उसको ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर बटन जो है। यहाँ पर काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पर जो क्या बोलते हैं इसको कवर नहीं करते। यहाँ पर बारिश की वजह से इस बटन में पानी जाता है और ये बटन जो है ख़राब हो जाता है, लेकिन ये काफ़ी अच्छी बात है कि इन्होंने इसके ऊपर जो है रबर का प्रोटेक्शन जो है आपको देती है कंपनी, जिसके थ्रू क्या होता है कि आपके लाइट के अंदर जो पानी नहीं जाता। यहाँ पर पीछे की साइड में देखेंगे तो यहाँ पर एक बड़ा सा रोटावेटर 54 ब्लेड्स के साथ आता है।
वेट कैरिंग कैपेसिटी आप इसकी कह सकते थे यहाँ पर 1300 टू 1400 यानी कि 1300 से 1400 किलो तक का वजन जो है ये ट्रैक्टर उठाता है। एचपी के हिसाब से बात करेंगे तो थोड़ा सा कम है, यहाँ पर गारंटी थी कि यानी कि लगता था कि 1500 का जो वेट है वो कैरी कर सकता है, लेकिन इस टाइप का जो आपको, लेकिन ठीक है 1300-1400 कुछ कम नहीं है। यहाँ पर ये जी मैन की रोटर है, रोटर के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले तो ट्रैक्टर का पूरा ओवरव्यू देखेंगे। दूसरी साइड में जो है आपका आईशर की ब्रांडिंग मिलती है, यहाँ पर आपका टेल लैंप और यहाँ पर आपके साइड इंडिकेटर सेम ही है पूरा। यहाँ पर दूसरी साइड में भी आपको सेम मिलता है, लेकिन ड्राइवर की लेफ्ट साइड में जो है आपको मफलर की प्लेसमेंट मिलती है, राइट साइड में आपको बैटरी का वगैरह वो जो है उसकी प्लेसमेंट मिलती है। यहाँ पर इंजन की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग 48 एचपी का इंजन मिलता है, नॉट अ 50 एचपी, ये पूरा कंप्लीट 50 एचपी नहीं है, ये 48 एचपी का ट्रैक्टर है, लेकिन लोग कहते कहने के लिए कहते ना कि 50 एचपी का ट्रैक्टर है, 48 एचपी का ट्रैक्टर है ये, और 3 सिलेंडर के साथ आता है। यहाँ पर एयर कूल्ड और आपका यानी कि एयर कूल्ड प्लस आपका वाटर कूल्ड दोनों ऑप्शंस, यानी दो ऑप्शंस नहीं कहते, दोनों इम्बिटेड है इसमें, यानी कि बहुत सारे ट्रैक्टर्स हैं जिनका जो पिस्टन ब्लॉक होता है वो प्लेन होता है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको फिन्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जो फिन्स जो है आपका एयर कूलिंग का काम करते हैं। उसके बाद यही है कुछ ऐसा ट्रैक्टर का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। उसके बाद फ्यूल टैंक की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका डीजल फ्यूल भरा जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 45 लीटर का जो फ्यूल टैंक है वो आपको देखने को मिलता है। एवरेज जो कह सकते हैं इसका वो तो आपके काम पे ऊपर डिपेंड होगा, काम अगर ज़्यादा हेवी होगा तो एवरेज भी कम देगा ट्रैक्टर। ओके, यहाँ पर फ्रंट टायर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको MRF के 7.50-16 यानी कि 16 इंच की जो टायर है वो आपको देखने को मिलते हैं। रियर साइड की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके MRF शक्ति लाइफ प्लस का जो ब्रांडिंग है उनका वो आपको मिलता है 14.9-28 इंच के टायर जो है आपको रियर साइड में मिलते हैं। यहाँ पर आपको सेलिब्रेशन 60 ईयर्स ऑफ फ्रेम हुड यानी कि 60 सालों से जो है आईशर वो अपना ट्रैक्टर जो है इंडिया में लॉन्च कर रहा है। यहाँ पर आपको ओके सो अब इसके बाद हम कंफर्टनेस की बात करेंगे। यहाँ पर आपको कंफर्ट्स के लिए यानी कि आपकी हैंडलिंग और कैबिन के अंदर आपको क्या क्या फैसिलिटी वो मिलती है वो उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर कैबिन के अंदर जाने के लिए आपको फुट स्टेप जो है यहाँ पर मिलती है, यहाँ पर फुट स्टेप जो है वो आपको एक ही साइड में मिलती है ड्राइवर की लेफ्ट साइड में। यहाँ पर कुछ इस टाइप का आपका जो स्टेयरिंग मैकेनिज्म है आपको देखने को मिलेगा, स्टेयरिंग का साइज काफ़ी छोटा है, यानी कि बहुत सारे ट्रैक्टर देखे मैंने कि बहुत बड़ा वाला स्टेयरिंग होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, छोटा सा स्टेयरिंग है। स्टेयरिंग के ऊपर आपको स्टेयरिंग बॉल है वो व्यक्ति देखने को मिलता है, जिसके थ्रू आप जो है इजीली स्टेयरिंग को रोटेट कर सकते हो। सो इस टाइप का इंटरफेस आपको यहाँ पर स्टेयरिंग का मिलता है। स्टेयरिंग के ऊपर आप आईशर की जो ब्रांडिंग है वो आपको देखने को मिली थी। यहाँ पर ड्राइवर की लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो यहाँ पर पैसेंजर को बैठने के लिए यहाँ पर एक मडगार्ड मिलता है, यानी कि मडगार्ड के ऊपर छोटी सी जगह मिलती है। यहाँ पर एक थोड़ा सा छोटा सा कंपार्टमेंट मिलता है जिसके अंदर आप जो है आपका मोबाइल फ़ोन जो है चार्ज लगा सकते हो। यहाँ पर आपका जो USB टाइप ए का जो चार्जर है पोर्ट है वो आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस मोबाइल को रखने के लिए। यहाँ पर उसके ऊपर आईशर की ब्रांडिंग प्लास्टिक का बना हुआ है। यहाँ पर आपका राइट साइड में भी आपको एक छोटा सा सीट मिलता है और यहाँ पर जो है आपका छोटा सा टूल बॉक्स जो है आपको देखने को मिलता है। ड्राइवर की राइट साइड में आपका एक छोटा सा साइड मिरर, और फ्रंट से देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का जो है आपको सामने का व्यू ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिलेगा। सो अब हम बात करेंगे डैशबोर्ड की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चाबी को इंसर्ट करते हैं इग्निशन स्विच के अंदर। यहाँ पर आपका इग्निशन स्विच वो आपको देखने को मिलेगा। इग्निशन स्विच जब स्टार्ट करेंगे यहाँ पर आपको डिजिटल प्लस एनालॉग दो मीटर देखने को मिलेंगे। डिजिटल मीटर में आपका दिखाता है रियल टाइम RPM और आपका रियल टाइम टाइम और कितने घंटे आपने अभी तक ट्रैक्टर को रन किया वो आपको, यानी कि डिजिटल हावर्स मीटर जो है आप इसे कह सकते हैं। ये आपको तीन जो बातें डिजिटल डिस्प्ले जो है आपको दिखाता है। उसके बाद फ्यूल इंडिकेटर के लिए आपको एनालॉग स्विच मिलता है। यहाँ पर आपका टेम्परेचर डिटेक्ट करने के लिए आपको एनालॉग स्विच मिलता है। यहाँ पर बैटरी का जो परसेंटेज है उसको डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पर आपको एनालॉग मीटर मिलता है। यहाँ पर छोटे से लाइट जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो कि आपको बैटरी इंडिकेटर और हेडलैम्प रिलेटेड जो फैसिलिटी आपको दिखाती है। ये इंडिकेटर को दिखाने के लिए ऊपर की साइड में और हेडलैम्प अपर डिपर और जो हेजार्ड लैम्प का जो लाइट है वो यहाँ पर नीचे की साइड में मिलता है। कुछ इस टाइप का इंटरफेस डैशबोर्ड का है। यहाँ पर उसी के नीचे डैशबोर्ड के नीचे आपको जो हेडलाइट को कंट्रोल करने के लिए बटन्स मिलते हैं। यहाँ पर इसके थ्रू आप जो है हेडलाइट और हेजार्ड लैम्प जो है इसको ऑपरेट कर सकते हो, सॉरी सिर्फ हेडलाइट को ऑपरेट कर सकते हो।
यहाँ पर ड्राइवर की लेफ्ट साइड में जो है आपका हैंड ऑपरेटेड एक्सीलेटर हुआ देखने को मिलता है। उसके बाद जो है आपके नीचे की साइड में दो बटन्स मिलते हैं जो कि इंडिकेटर को ऑपरेट करते हैं, और जो एक है हेडलाइट लैंप को ऑन ऑफ करता है। उसके बाद यहाँ पर आपकी हॉर्न की प्लेसमेंट है, नीचे की तरफ हॉर्न की प्लेसमेंट यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर भी आपका एक स्विच है, यहाँ पर आपका इग्निशन स्विच, यहाँ पर स्टॉप करने के लिए पुलर, और यहाँ पर जो है ये कुछ हुड को कैरी करने के लिए यानी कि आपका डैशबोर्ड के पैनल्स को अटैच करने के लिए थोड़ा स्क्रू का अरेंजमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। सो कुछ इस टाइप का इंटरफेस है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और अभी हम बात करेंगे इसके अंदर के गियर्स और मैकेनिकल स्पेसिफिकेशंस की। सो ये ट्रैक्टर जो मिलता है आपको 12 फॉरवर्ड गियर के साथ और 2 रिवर्स गियर के साथ। ड्राइवर की लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जो मेन आपका जो यानी कि स्टैंडर्ड है ड्राइवर की लेफ्ट साइड में क्लच, और राइट साइड में जो आपके इंडिपेंडेंस ब्रेक वो आपको देखने को मिलते हैं। लेफ्ट साइड में जो है आपके फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपका जो लो, न्यूट्रल और हाई का जो गियर है वो आपको देखने को मिलता है। उसके के नीचे आपका जो पीटीओ का गियर है वो देखने को मिलेगा। पीटीओ जो है 40 एचपी की पावर डेवलप करता है, और एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों साइड में भी आप इसको घुमा सकते हो। यहाँ पर ड्राइवर की राइट साइड की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको जो मेन गियर है आपका यानी कि 1, 2, 3, 4 जो स्पीड, और रिवर्स का जो मेन लीवर होता है जिसके थ्रू आप स्पीड एडजस्ट करते हो वो आपको देखने को मिलता है। उसी के नीचे जो है आपका पार्किंग ब्रेक जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इसको ऐसा ऊपर की साइड पुल करने पर पार्किंग ब्रेक जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। उसके साथ आपका जो जो फुट ऑपरेटेड एक्सीलेटर वो आपको देखने को मिलेगा। और इस ड्राइवर की राइट साइड के ड्राइवर की राइट साइड में जो है आपका जो हाइड्रोलिक रिलेटेड ऑप्शंस है वो भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको जो ADDC यानी कि ऑटो ड्राफ्ट एंड ड्रिप कंट्रोल का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलता है, यानी कि आपका जो रोटावेटर हो या कल्टीवेटर हो ऑटोमेटिकली सेंस करके जो है अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा। यहाँ पर एक लीवर जो है यहाँ पर आप उससे हाइट जो एडजस्ट कर सकते हो, और उस हाइट पर आपको अगर हाइड्रोलिक अप एंड डाउन करना है तो यहाँ पर उस दूसरे लीवर से आप वो कर सकते हो। और अगर आपका ट्रैक्टर अटक जाता है तो ऑटोमेटिकली जो उसके वाल्व्स है पायलट वाल्व्स वो सेंस करके आपका जो कल्टीवेटर है उसको ऑटोमेटिकली ऊपर की साइड पुल करके जो ट्रैक्टर है उसको रिलीज कर देंगे, और उस जो है ट्रैक्टर जो है आगे की तरफ फंसने की बजाय आगे की तरफ जो है बढ़ जाएगा। ओके, सो इस टाइप का इंटरफेस जो है आपको ट्रैक्टर में मिलता है। आपके दोनों पैरों के नीचे यानी कि सीट के नीचे आपका हाइड्रोलिक का जो लॉक है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ नहीं, इतना ही मिलता है बड़े ट्रैक्टरों में। छोटे जो ट्रैक्टर्स होते हैं आईशर के हो या VST के हो Mitsubishi के हो, उनमें काफ़ी ज़्यादा गैजेट्स नहीं कह सकते, या काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल जो आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम अगर सीट की कंफर्टनेस की बात करेंगे तो यहाँ पर सीट की जो हाइट है वो ठीक ठाक है, काफ़ी इतनी बड़ी भी नहीं है, 6 फीट का इंसान आराम से बैठ सकता है। सीट जो है वो स्प्रिंग लोडेड है, यहाँ पर जो है इसकी हाइट आप एडजस्ट नहीं कर सकते, हाइट का सिर्फ टेंशन एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर सीट को आगे पीछे करने के लिए जो है आपको यहाँ पर नीचे जो है लीवर मिलता है, उसके थ्रू सीट को आप आगे और पीछे जो स्लाइड कर सकते हो। सो इस टाइप का सीट का जो इंटरफेस है वो आपको देखने को मिलता है। सो ओके, अब हम बात करेंगे रियर साइड की। रियर साइड में आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है, मोस्ट ऑफ किसानों के लिए यही इंपॉर्टेंट होता है कि कितना वेट कैरी करता है, क्या क्या फैसिलिटीज आपको रियर साइड में मिलती है। सो मैं अभी आपको बताऊंगा रियर साइड में आपको क्या क्या मिलता है। रियर साइड में आपका स्टैंडर्ड जो है वही मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपके दोनों साइड की जो टो जॉइंट्स है यानी कि आप इसको नकल जॉइंट भी कह सकते हो, वो दोनों साइड के आप एडजस्ट कर सकते हो। बहुत सारे ट्रैक्टर्स आते हैं इनमें एक ही साइड में एक ही साइड का जो रॉड से उसको आप हाइट एडजस्ट कर देंगे, आप दोनों साइड में जो है आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपका जो आउटलेट है यहाँ पर आप हाइड्रोलिक ट्रॉली को ऑपरेट करने के लिए, या आपका जो कल्टीवेटर है उसकी उसको जो रोटेशन है उसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर आपको एक हाइड्रोलिक आउटलेट जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर दोनों मडगार्ड को वाइब्रेशन से बचाने के लिए यहाँ पर आपको एक छोटा सा पाइप जो है यहाँ पर अटैच हुआ मिलेगा। उसी के पीछे सीट के बैक साइड में आपको एक बॉटल होल्डर वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक छोटा सा हैजर्ड लैम्प, इतना ही है इस ट्रैक्टर में बस। यहाँ पर आप PTO जो है वो 40 HP की पावर जनरेट करता है, यानी कि रोटावेटर वगैरह तो आप इजीली कर सकते हो। सो इस टाइप का तामझाम जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और अब हम बात करेंगे इसके रोटावेटर की। यहाँ पर है G-Man का रोटावेटर 54 ब्लेड के साथ मॉडल 2021। मैं भी आपको मॉडल नंबर भी दिखाता हूँ, GMRTC07। यहाँ पर पूरा जो आप देख सकते हो सीरियल नंबर वगैरह सब कुछ है, इसका कंपनी का मेड इन इंडिया है।
और यही रोटरी इनको इनके साथ मिला है, काफ़ी बड़ा रोटर है। इस रोटर का भी ट्रायल हम लेंगे। सो इस टाइप का जो है इंटरफेस आपको पूरे ट्रैक्टर में मिलता है। इंजन की अब बात करेंगे तो अब हम इसका जो हुड है बोनट है उसको हम निकालेंगे और इंजन जो है आपको दिखाता हूँ अभी मैं। यहाँ इकड़ा यहाँ पर बोनट को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर आपको दोनों साइड में से लॉक मिलता है, उसको ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो एयर फिल्टर है उसको निकालना होगा, उसी के बाद जो है बोनट जो है ओपन होगा। ये काफ़ी ओल्ड स्टाइल है लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, ट्रैक्टर वालों ने दिया है। सो इस टाइप का आपको इंजन का इंटरफेस मिलता है। यहाँ पर 3 सिलेंडर 4 स्ट्रोक डीजल इंजन आपको देखने को मिलता है जो कि है 2943 सीसी का। यहाँ पर आपका ड्राई रन टाइप जो एयर फिल्टर है वो आपको देखने को मिलता है। और पूरे इंजन की बात करेंगे तो 48 HP की पावर जनरेट करता है। अपर वेट की बात करेंगे तो ट्रैक्टर के 2200 kg का पूरा वेट है। व्हील वेट जो है इसका आपको मिलता है 1970 mm का। ओवरऑल लेंथ जो है यानी कि फ्रंट टायर से लेकर रियर टायर तक आपको मिलती है 3540 mm की। ओवरऑल विड्थ जो है वो आपको मिलती है 1760 mm की। और ग्राउंड क्लियरेंस जो है मिलता है आपको 380 mm का। और टर्निंग रेडियस की बात करेंगे विद ब्रेक्स, यानी कि अगर आप वन साइड का ब्रेक अप्लाई करते तो आपको मिलता है 3750 mm का। सो इस टाइप का जो इंटरफेस आपको मिलता है। ट्रैक्टर के प्राइस की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ये अराउंड जाएगा 7.5 से 8 लाख तक जो है ऑन रोड पर बात कर रहा हूँ अभी, डिपेंड्स ऑन, लेकिन आपको 7.5 से 8 लाख के बीच में आपको ऑल ओवर इंडिया में जो है आपको मिल जाएगा। सो बस इतना ही था इस वीडियो में। जो ट्रैक्टर है आपका रियल व्हील ड्राइव नॉट फोर व्हील ड्राइव, रियल व्हील ड्राइव ये पूरा ट्रैक्टर। सो बस इतना ही था आज के वीडियो में। बस अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अगर आपको कोई भी मशीन की जानकारी चाहिए हो तो कमेंट कीजिएगा नीचे, हम ट्राई करेंगे कि उसका भी रिव्यू जो है हम कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।